यह वीडियो जंतर मंतर पर है, आर्ट एंड कल्चर के तहत। लेकिन उससे पहले जो है, क्योंकि जंतर मंतर का जो निर्माण करवाया है वो सवाई जयसिंह ने करवाया था, तो इसलिए थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी जानना जरूरी है कछुआ राजपूतों की। सेलेक्टेड रूलर्स ऑफ आमेर या आमेर के जो शासक थे कछुआ राजपूत थे। कछुआ जो है वंश था, ये कछुआ डिनेस्टी थी। उसी के संबंध में ये थोड़ा सा एक सेलेक्टेड रूलर्स की लिस्ट है, काम आएगी। राजा भारमल ये अकबर के समकालीन थे और पहले राजपूत शासक जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए अकबर से। फिर भगवान दास उनके पुत्र थे। मान सिंह अकबर के समय और बाद में जहांगीर के समय भी काफ़ी सक्रिय रहे। राजा जय सिंह फर्स्ट, ये इनके समय हैं ब्रैकेट में, जो है ये पुरंदर की संधि औरंगजेब के कहने पर शिवाजी को परास्त करने गए, शिवाजी को घेरने गए और पुरंदर की संधि हुई, जय सिंह फर्स्ट ये वो है। और राजा सवाई जय सिंह सेकेंड, ये जो हैं क्योंकि जंतर मंतर इन्हीं के द्वारा निर्मित हैं, तो इसलिए एक बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण शासकों को ही लिया गया है, कुछ जो जो जहाँ ज़रूरत नहीं थी वो शासकों को छोड़ा गया है। 1699 से 1743 तक इनको इन्होंने शासन किया, यानी कि 99 का रूलिंग है, या आमेर शासक रहे। और बर्थ इनका 1688 भी मिलता है और 1681 एनसीईआरटी के अनुसार से जो है, क्या कहते हैं, इनका जो बर्थ है, जो ओल्ड एनसीईआरटी है 12th क्लास की विपिन चंद्र जी द्वारा लिखित, तो वो 1681 से 1743 तक इनका समय मानते हैं। लेकिन रूलिंग पीरियड एनसीईआरटी के हिसाब से 1699 से 1743 तक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि हम इनके सवाई जयसिंह के विषय में, राजा सवाई जयसिंह के जो जयसिंह द्वितीय हैं, जयसिंह फर्स्ट ये द्वितीय के विषय में डिटेल में जानकारी के लिए ये जरूरी था एक बैकग्राउंड बनाना बताना, क्योंकि ये कछुआ राजवंशों की सूची है और जो है इसलिए आवश्यक था। जंतर मंतर, जंतर मंतर जैसे मैंने कहा न्यूज़ में भी रहा है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त की है, क्योंकि दिल्ली का जो जंतर मंतर है ऑब्जर्वेटरी है, बेसिकली ये वेधशाला है जो है, उसके रेस्टोरेशन को जो है करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का अपॉइंट किया है, तो इसलिए जंतर मंतर न्यूज में है और इसलिए यह है ये बनाया गया वीडियो। जंतर मंतर बेसिकली मैंने कहा ऑब्जर्वेटरी है, जो खगोल जो है, जो खगोलीय कैलकुलेशंस हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो कैलकुलेशंस हैं उसके लिए, ऑब्जर्वेशंस के लिए बनाई गई थी, वेधशाला हिंदी में कहते हैं। महाराजा सवाई जय सिंह सेकेंड ने की थी, जैसे इनका 1686 से लेकर 1743 तक है, बेसिकली इनका जो रूलिंग पीरियड है वो ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1699 से 1743 लगभग 44 ईयर्स इन्होंने रूल किया है, और इन्होंने जो उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में जो हैं क्या कहते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन वेधशालाएं बनाई, जिसको हम जंतर मंतर कहते हैं, दिल्ली में, मथुरा में, वाराणसी, उज्जैन और जयपुर में। हाँ, इनका सन जो है, कहीं जो इनका बर्थ 1866 मिलता है, कहीं 1881 मिलता है, कहीं 88 भी मिलता है, तो ये अलग अलग बुक्स में है, तो इसलिए ये अंतर आया है। अच्छा, जंतर मंतर वाज यूज्ड टू स्टडी टाइम एंड स्टडी टाइम डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस। बेसिकली क्या है कि जंतर मंतर जैसे मैंने कहा ऑब्जर्वेटरी थी, ये वेधशाला थी, इससे जो ग्रहों की स्थिति, समय का क्या है, अलग अलग स्थानों पर समय क्या है, तो ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों की गति क्या है, उसके अध्ययन के लिए ये जो है जंतर मंतर बनाया गया था। जयपुर की जो ऑब्जर्वेटरी है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा संख्या में, और जो क्या कहते हैं, विभिन्नता भी है इंस्ट्रूमेंट में, यानी सबसे ज़्यादा
जो है यंत्र और अनेक प्रकार के यंत्र जयपुर की ऑब्जर्वेटरी वेधशाला में है। जैसे मैंने कहा, 5 स्थानों पे इन्होंने जो वेधशाला स्थापित की थी। और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो प्रयोग होते थे ऑब्जर्वेटरी में: कपाल यंत्र, राशि विलय यंत्र, उन्नतांश यंत्र जो है इत्यादि। अच्छा, की इंस्ट्रूमेंट इन दिल्ली जंतर मंतर, जो है दिल्ली की जो जंतर मंतर है वेधशाला इसको कहते हैं, जो है उसके जो मुख्य जो यंत्र हैं वहाँ पर, वो इस प्रकार है: मिश्र यंत्र, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र। अच्छा, अब थोड़ा सा महाराजा जयसिंह के विषय में, सवाई जयसिंह, जैसे मैंने कहा कि बेसिकली ये जयसिंह सेकंड है, और सवाई जो टाइटल था सवाई की वो मुगल सम्राट औरंगजेब ने इनको दी थी। राजपूत स्टेट आमेर, ये कछुआ राजपूत थे आमेर या आमेर के, जो है बिल्ट द सिटी ऑफ जयपुर। सवाई जयसिंह ने जो 1699 से 1743 तक शासन किया और इन्होंने जयपुर शहर का निर्माण किया। और बहुत सारे जो यात्री आए बाद में, उन्होंने इस सिटी की, इस शहर की योजना की बड़ी जो है बड़ी प्रशंसा की। यूरोपियन ट्रेवलर्स ऑफ द टाइम लाइक द फ्रेंच मैन लुई रूसेलेट एंड द फ्रेंच इंग्लिश बिशप हैबर वर ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय जयसिंह अनपैरेलल्ड एक्सीलेंस इन सिटी प्लानिंग। जो है यूरोपियन ट्रेवलर में आप जैसे फ्रांस से आने वाले लुई रूसेलेट थे और ये बिशप थे हैबर, इन्होंने जो जयपुर जो जयसिंह के द्वारा जो सिटी की योजना, सिटी नियोजन किया, जो शहर का नियोजन किया, जो प्लानिंग थी, उससे बहुत प्रभावित हुए और इसकी प्रशंसा की उन्होंने एक प्रकार से। अच्छा, राजा सवाई जयसिंह ऑफ आमेर, जैसे ये यहाँ इनका बर्थ, ये बेसिकली ये यहाँ से आगे जितने भी 2-3 पेज हैं वो ओल्ड एनसीईआरटी 12th क्लास की लिए गए हैं, बिपिन चंद्र जी के द्वारा लिखित है, क्योंकि ये एक प्रकार से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये सब फैक्ट आगे एनसीईआरटी के हैं। राजा सवाई जयसिंह ऑफ आम्बेर, ये इनका बर्थ है, एनसीईआरटी ने 1681 से माना है और 1743 में इनकी डेथ हुई। वाज अ डिस्टिंग्विश्ड स्टेटमैन, एक जाने माने प्रख्यात क्या कहते हैं राजनेता थे, लॉ मेकर थे, विधिवेत्ता थे, और विधि निर्माता आप कह सकते हैं, और सामाजिक सुधारक भी थे। ही मेड जयपुर फाउंडेड बाय हिम, इन्होंने जयपुर की स्थापना की, अ ग्रेट सीट ऑफ साइंस एंड आर्ट, इन्होंने जयपुर की स्थापना की और बल्कि उसके विज्ञान और कला का एक महान केंद्र के रूप में भी बनाया। जयपुर वाज बिल्ड अपॉन स्ट्रिक्टली साइंटिफिक प्रिंसिपल, इनके द्वारा जो जयपुर शहर स्थापित किया गया वो क्या कहें वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित था, निर्मित किया गया एंड अकॉर्डिंग टू रेगुलर प्लान, एक नियमित योजना के तहत इसका प्लानिंग की गई थी, योजनाबद्ध शहर है। इट्स ब्रॉड स्ट्रीट्स आर इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल्स, यहाँ की जो चौड़ी सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। जयसिंह वाज अबव एवरीथिंग अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, लेकिन जयसिंह सेकंड, जिसको हम सवाई जयसिंह भी कहते हैं, जैसे हमने कहा कि औरंगजेब ने सवाई की उपाधि इनको दी थी, एक महान खगोल शास्त्री थे, खगोल विज्ञानी थे। ही इरेक्टेड ऑब्जर्वेटरी विद एक्यूरेट एंड एडवांस इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने कई, जैसे हमने पहले पिछले पेजों पर देखा, इन्होंने भारत में 5 जगह ऑब्जर्वेटरी वेधशाला स्थापित की विद एक्यूरेट एडवांस जो है, जिनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, जो आकलन थे, जो जो वो जिनके द्वारा जो एक प्रकार से इंफॉर्मेशन दी जाती थी, जो कैलकुलेशन थे वो बहुत ही एक्यूरेट थे और एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे। सम ऑफ देम ऑफ इज ऑन इन्वेंशन, जिसमें से कुछ यंत्रों का इन्होंने वेधशालाओं में जो प्रयुक्त यंत्र थे खुद निर्माण किया था। इन्वेंशन एट दिल्ली, खुद ही इन्वेंशन किया था एट दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी एंड मथुरा, ये पहले भी आ चुके हैं लेकिन एनसीईआरटी के जो पेज हैं उसको वहाँ से इफेक्ट लिए गए हैं। दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में स्थापित किया गया था। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लिख सकते हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। हिज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन वर रिमार्केबली एक्यूरेट, और इनके जो खगोल शास्त्रीय जो अवलोकन थे, इनके जो जो इन्होंने खोज की, जो एक प्रकार से क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो इन्होंने महसूस किया
जो है देखा वो जो है उल्लेखनीय रूप से बहुत सटीक थे। ही ड्रू अप ए सेट ऑफ टेबल्स, टेबल्स सारणी की भी खींची, इन्होंने एक सारणी का निर्माण किया एंड इंटाइटल जिज मोहम्मद शाही, जिसका शीर्षक क्या था, जिज मोहम्मद शाही। बेसिकली ये एक सेट ऑफ टेबल्स था, सारणी का एक सेट था, टू इनेबल पीपल टू मेक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, ताकि जो लोग जो हैं पीपल लोग जो हैं सक्षम हो सके किसको, खगोलीय ऑब्जर्वेशन के लिए जो है, जो खगोल शास्त्रीय जो खगोल विज्ञान संबंधी जो आकलन है उसको समझ सके, ये मतलब है। ही हैड इक्विलिड सॉरी यूक्लिड, ही हैड यूक्लिड एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू यूक्लिड। बेसिकली जो है ये आपके ग्रीक मैथमेटिशियन थे और यूक्लिड की जो एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री थी इसका इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया एंड आल्सो सेवरल वर्क्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत सारे इन्होंने जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पर थे उनका भी अनुवाद किया। एंड नेपियर्स वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ लोगरिथम, लोगरिथम पे जो नेपियर्स के जो कार्य है उसका भी इन्होंने जो ट्रांसलेशन करवाया, नेपियर जो है नेपियर के और यूक्लिड के जो है कार्य को इन्होंने जो है संस्कृत में ट्रांसलेशन करवाया। अच्छा, जयसिंह वाज आल्सो ए सोशल रिफॉर्मर, जयसिंह एक समाज सुधारक भी थे। ही ट्राई टू इन्फोर्स अ लॉ टू रिड्यूस द लेविस एक्सपेंडिचर विच द राजपूत हैड टू इनकर ऑन देयर डॉटर्स वेडिंग्स। इसका मतलब क्या है, ये एक जैसे मैंने कहा समाज सुधारक भी थे और राजपूतों में जो है अपनी पुत्रियों के विवाह में जो है बढ़ चढ़ कर खर्च करना, जो है विलासतापूर्ण जो है अत्यधिक दिखावा करने के लिए जो उनको अत्यधिक खर्च करना पड़ता था, तो इसको कम करने के लिए उन्होंने कानून बनाया। दिस हैड गिवन राइज टू ईवल प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड, जो कुछ जो लोग ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते थे उससे कुप्रथा का भी जन्म हुआ, जो है जैसे जो है शिशु हत्या जो है जो पुत्री का वध करने लगे, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने एक प्रकार से एक कानून बनाया, लागू करने की कोशिश की बेसिकली कि राजपूत अपनी पुत्रियों पर के विवाह में कम से कम खर्च करें। दिस रिमार्केबल प्रिंस रूल जयपुर फॉर नियरली 44 ईयर्स फ्रॉम 1699 टू 1743। ये जो विख्यात राजकुमार थे, राजा थे जयपुर के, जिन्होंने लगभग 44 वर्ष तक शासन किया, 1699 से 1743 तक, 1699 से 1743 तक। ओके।